और ये देखिए बीबी भी हंस रहा है, ये कैसा व्लॉग बना रहे हैं करके। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहा है हल्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डैडीज कॉर्नर फ्रेंड्स। दोस्तों जैसे आपको पता था कि हम पिछले वीडियो में जो दिखाए थे मैसूर ह्यूज जाके आए सुबह सुबह, बट आफ्टर दैट यू नो लंच टाइम हो गया था, लेट आफ्टरनून, बेबी क्रैंकी हो गया था। हम लंच करके अभी वापस वृंदावन गार्डन जा रहे हैं। वैसे भी मैसूर ह्यूज काफ़ी नज़दीक था रिजॉर्ट से, तो टू एंड फ्रो जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दिखा रहा है, लेट्स रीच देयर। दोस्तों ये रहा वृंदावन गार्डन की टेरिटरी, हम एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे देखो ये बैक वाटर का जो सीन है और सनसेट का जो सीन दिख रहा है, इट्स अमेजिंग एंड इट इज द बेस्ट टाइम इन द इवनिंग इफ यू विजिट अराउंड द सनसेट इन दिस वृंदावन गार्डन। हम यहाँ पे पार्किंग कर देते हैं, काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा, तो लेट्स पार्क द व्हीकल समवेयर नियर टू द एंट्रेंस ऑफ वृंदावन गार्डन एटलीस्ट, नहीं तो आप बहुत चलना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स हियर वी आर फाइनली एट वृंदावन गार्डन्स। यहाँ की एंट्रेंस फी भी लगती है विच इज़ वेरी नॉमिनल एंड यू नो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। लॉट ऑफ मूवीज हैव बीन शॉट ओवर हियर। कौन सी मूवीज हैं ये तो नहीं पता, आप खुद गूगल करके देख लो। फ्रेंड्स ये डीसी की कोई डार्क मूवी की तरह नहीं दिख रही है? नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये एक्चुअली इट्स अ ब्रिलियंटली लिट अप गार्डन ऑफ दिस इन द नाइट लाइफ स्पेशली। आपको यहाँ पे थोड़ी देर स्पेंड करके देखो आफ्टर द सनसेट, इट्स ब्यूटीफुली लिट अप गार्डन। और आप वहाँ पे देख सकते हो एक रिजॉर्ट भी है जो वृंदावन गार्डन का रिजॉर्ट है, दैट्स प्रीटी गुड रिजॉर्ट विच इज सिचुएटेड इन द वृंदावन गार्डन इटसेल्फ। So guys, here we go to the musical fountain, musical show which is actually the fountain show। और यहाँ पे देखो हमें जाना पड़ेगा एक बोट लेके, तो it's nice and चलिए देखते हैं बेबी कैसे enjoy करता है, कैसे लगती है म्यूजिक यहाँ पे। फ्रेंड्स हम रीच हो गए हैं म्यूजिकल फाउंटेन की जगह पे, ये देखो बेबी कैसे एंजॉय कर रहा है। हिज आईज आर नॉट एट ऑल मूविंग आउट ऑफ साइट फ्रॉम दैट कलरफुल फाउंटेन, तो बेबी इज एंजॉय अ लॉट। इट्स अ मस्ट विजिट इफ यू हैव सम टाइम फॉर इट। जी हाँ दोस्तों, हमने वृंदावन गार्डन कंप्लीट कर लिया है और म्यूजिकल फाउंटेन भी विजिट किए थे। वहाँ पे काफ़ी मच्छर हो गए थे और बेबी थोड़ा क्रैंकी हो गया था, तो वी हैव टू लीव अर्ली, वाइंड अप एंड यू नो फ्रेंड्स वृंदावन गार्डन इज़ अ वेरी बिग पार्क, यू नीड टू बी वेरी एनर्जाइज्ड टू वॉक अराउंड इन दिस पार्क, इट्स अ वेरी बिग पार्क। एंड ऑल्सो टू मेक श्योर यू कैरी ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बेबी, जैसे कि जो पाउच रहता है उसको कैरी करने का, एंड ऑल्सो द प्रैम इफ़ यू हैव इट, सो दैट आप कन्वीनियंटली इस पार्क में घूम सकते हो। और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इस वीडियो को और देखिए नेक्स्ट डे हम बेबी का बर्थडे, हाफ टिकट का बर्थडे सेलिब्रेट करके हम निकल गए हैं बैंगलोर के लिए। और हाँ फ्रेंड्स मैसूर पैलेस हम नहीं गए बिकॉज वहाँ पे तो कई बार हम विजिट कर चुके हैं फैमिली के साथ, तो और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स ये मैसूर पैलेस का शायद पीछे का रास्ता है और यू कैन इवन सी द एटमोसफियर ऑफ दैट
माइसोर इज़ फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एंशंट हेरिटेज, सो यू कैन ऑलवेज विजिट इट। तो यू नो, अगर आपको टाइम परमिट करें तो आप विजिट कर सकते हो डेफिनेटली। बहुत धूप है, लंच कर लिया है और लेट्स मूव आउट और बैंगलोर को पहुँचते हैं फटाफट से, काफ़ी टाइम हो गया है। और ये देखिए बेबी भी हंस रहा है, ये कैसा व्लॉग बना रहे हैं करके। A few moments later, बहुत ट्रैफिक है, अब क्या करें, सुबह का भूला घर को वापस लौटता ही है रात को। ऐसा हो गया है, बैंगलोर आ गए हम लोग फिर वही ट्रैफिक की जगह पे, बहुत ट्रैफिक है। चलिए खत्म करते हैं इस व्लॉग को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। चलिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।